बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया जद्दा बनी मालक से लाइव हूँ। बनी मालक साथ में क्यों बता रखा हूँ, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा जो मक्त वगैरह यहाँ पर बने हुए टिकटें सेल करने वाले उनकी क्या सूरत हाल है। जो भाई सऊदी अरबी से छुट्टी जाना चाहते हैं, आप भाइयों के अक्सर कमेंट आते थे कि भाई हम अभी छुट्टी जा रखे हैं तो मैं क्या बूस्टर डोज मैं लगवा लूं या मैं वापस आ सकूंगा, उस टाइम तक मेरा स्टेटस तो इम्यून ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, आपको सेकंड डोज लिए हुए 8 माह गुजर चुके हैं जी, आपने बूस्टर शॉट नहीं लिया है और आपका भाई स्टेटस तवक्कलन से इम्यून नहीं रहेगा। आपको सऊदी अरबिया में इंटर होने के टाइम मुश्किल होंगी, ये कन्फर्म बात है। लेकिन मैं इससे पहली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि बूस्टर डोज अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको सेकंड डोज लिए हुए 3 माह गुजरे हैं तो आप बूस्टर शॉट अभी से ले सकते हैं। तो भाई आप छुट्टी जा रहे हैं यहाँ से, ये बेहतर नहीं है कि आप छुट्टी जाएं और अपना स्टेटस इम्यून जो आपका तवक्कलना में उसे भाई आपका इम्यून ही ना रहे जब आप वापस आए। उससे बेस्ट ये है कि भाई छुट्टी जाने से पहले बूस्टर डोज लाजम ले लें, इस कोरोना वायरस के केस जो बढ़ रखे हैं इसको देखते हुए भी, और इम्यून वायरस जो न्यू आ चुका है, इस कोरोना वायरस की न्यू वेरिएंट जिसे बोला जा रहा है, उस चीज़ के ऊपर भी ये असर रखती है। तो आप बूस्टर शॉट ले लें, ये बेस्ट है छुट्टी जाने से पहले, ताकि आपको कोई भी किसी किस्म की वापसी के ऊपर परेशानी ना हो, ठीक है। यानी कि फ्लैट्स वगैरह के मुतल्लक या कंटेन वगैरह के मुतल्लक आपको कोई किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी, आप डायरेक्ट अपने काम के ऊपर जा सकेंगे वापसी के तौर पर। तो बूस्टर डोज अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह बाद आप ले सकते हैं जब आपको भाई सेकंड डोज लिए हुए 3 माह गुजर चुके हों। अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में भाई दिखा देता हूँ जो यहाँ की सूरतेहाल मकात वगैरह की, टिकटों वालों को रश लगे हुए हैं भाई, टिकटें अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ सेल हो रही हैं। उसकी रीज़न यही है, एक तो सर्दी है, दिसंबर जा रहा है, ऊपर से यानी कि पाकिस्तान में मौसम बहुत खुशगवार है। दूसरे नंबर पर भाई उनको पता है फ्लैट्स ओपन है जी हमारे लिए, हमने दोनों डोज ली हुई है। भाई आपने दोनों डोज ली हुई हैं लेकिन बूस्टर शॉट अभी लाजम हो चुकी है सऊदी अरबिया में, ये भी अपने जहन में रखें। एक तो आप ये मकतब देख लें, ठीक है, इधर भी रश है, तो आगे मैं और देखता हूँ, उनका भी आपको विज़िट करवाता हूँ। ये मकतब है इस तरफ, इसमें भी 3-4 आदमी बैठे हुए हैं। अलहमरा है जी, ये अलहमरा PAE वगैरह के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर भी आदमी हैं अभी। बहरहाल मकतब काफ़ी हैं, टिकटों के रेट वगैरह काफ़ी चल रहे हैं। जो भी है जी, आपको 800 से लेकर वैसे आप जितना ऊपर जाते जाएंगे वो एक अलहदा से चीज़ है। वो एक अलग से मामला है फिर तो। बहरहाल ये अभी आवाम काफ़ी जा रही है, उसकी रीज़न यही बताई जा रही है कि अभी भाई वापस आना होगा।